मौका देके मैं मुकेश ठेकेदार जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे नरेश यादव जी विधायक जी का स्वागत करेंगे शॉल पहनाकर। एक बार जोरदार ताली हो जाए अतिथियों के लिए, मेरा अनुरोध है एक बार जोरदार ताली हो जाए। यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो अजय साहनी जी का पटका पहना के स्वागत करें। मैं ललक जी से अनुरोध करूंगा वो हमारे चिल्लर जी का पटका पहना के स्वागत करेंगे। विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि माँ चरणों के छठ मैया के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। नरेश यादव जी छठ मैया की, आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक महापर्व छठ मैया ने आज हम सब लोगों को आशीर्वाद दिया है। आप सब लोगों को ये जानकर भी हर्ष होगा कि जो शानदार छठ घाट यहाँ पर बनाया गया है ये दिल्ली सरकार के सहयोग से बना है, और ऐसे छठ घाट लगभग 1000 छठ घाट दिल्ली में बनाए गए हैं जिसमें सारा प्रबंध दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। और मैं छठ मैया से ये प्रार्थना करूंगा कि छठ मैया आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी और हम सबको अपना आशीर्वाद दे कि हम सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमारा पूरा का पूरा पूरी दिल्ली खूब तरक्की करें। आप सब लोगों को भी परिवार सहित बहुत बहुत छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जो हमारी ये समिति है मुकेश प्रधान जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि हर साल की भांति आप लोगों ने ये बहुत शानदार आयोजन किया है। भाई मनोज शर्मा जी यहाँ पर हैं और बाकी बहुत सारे अलग अलग पार्टी के लोग भी यहाँ पर आते हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि एक ऐसा मंच है जिसमें कि सभी पार्टी के सभी धर्म के लोग यहाँ पर इनवाइट किए जाते हैं और सबका सम्मान किया जाता है। तो मैं पूरी छठ समिति, मैं उसका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया है। जबकि मुझे पता है कि पहले हम मछली पार्क में करते थे लेकिन वहाँ पर फॉरेस्ट वालों की वजह से, DDA की वजह से वहाँ पर आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से अच्छा आयोजन यहाँ पर हुआ। जिस तरह से ये आज छठ घाट बनाया गया है, ये हकीकत में ये पुराना जोहड़ था और जोहड़ में पानी भरा ही रहता है हमेशा। तो उस समय पुराने जमाने में जोहड़ में पानी होता था और इस तरह से ही छठ मनाई जाती थी जैसे जमुना जी में पानी होता ही है। तो ये तो एक हम ओरिजिनल शेप में इस जगह को लेकर आए हैं और मुझे लगता है कि ठेकेदार साहब यहाँ पर कोई असुविधा तो नहीं पानी की या दूसरी कोई दिक्कत, पूरी सपोर्ट रही है हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से कहीं कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आयोजन में आपकी दिल्ली सरकार जो आपने चुन के बैठाई है, माननीय केजरीवाल साहब जो आपके CM हैं, उनका पूरा सहयोग है। पूरी तरह से दिल्ली में आज छठ को एक महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है और दूसरे बहुत सारे स्टेट्स आपने और भी देखे होंगे, सुनोगे आप न्यूज में, लेकिन दिल्ली जैसा छठ पर्व आज दूसरे प्रदेशों में भी नहीं मनाया जाता। इतने प्रबंध, इतनी शानदार व्यवस्था, पानी के लिए भी तरसते थे पहले लोग कि छठ घाट बना लेते थे, पानी नहीं मिलता था, बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन आज एक एक छठ घाट के ऊपर पानी के लिए अलग प्रबंध किया जाता है और सारी व्यवस्थाएं की जाती है साथ में आपकी जो सोसाइटी है उसके साथ मिलके। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, समिति का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया। और मुझे लगता है कि यहाँ का कार्यक्रम कुछ चल रहा है, संगीत का कार्यक्रम, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का और आप सब लोगों को बहुत बहुत छठ मैया आशीर्वाद दे ये कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं मनोज जी से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी अपनी हाजिरी लगाए। मनोज शर्मा जी धन्यवाद विधायक जी, पर मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप मंच का प्रयोग राजनीति के लिए करोगे। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ,
पर मैं कभी राजनीति की बात करता नहीं हूँ, कभी मंच पे कभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आम आदमी पार्टी नहीं करता। लेकिन पूरा का पूरा आपने बहुत सहयोग दिया, दिल्ली सरकार ने बहुत सहयोग दिया है, पर पूरा का पूरा अगर आप कहेंगे दिल्ली सरकार ने दिया तो नहीं दिया है। मंच पे मुझे बात भाषा बोलनी नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं नहीं, मैं भी बता रहा हूँ ना, मैं भी समिति का सदस्य हूँ, मुझे ही पता है आपने सहयोग दिया होगा, जरूर दिया होगा। दिल्ली सरकार दिल्ली में 9 साल से, और छठ का पर्व पिछले 20-25-30 सालों से मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तभी छठ पूजा में पानी मिलने लगा, पहले तो लोग सूखे में छठ बनाते होंगे, ऐसा नहीं है। मेरी बात का अन्यथा बुरा मत मानना, आपकी शुरुआत में तो अंत मैं कर रहा हूँ, दोनों भाई हैं। पानी पहले भी आता था, दिल्ली जल बोर्ड पहले भी था, आप आए तो हो सकता है दो टैंकर फालतू भेज देंगे आपने, हम आपके लिए तालियों स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब काम समाज के काम मिलजुल के होते रहते हैं। मैं कहूँ कि एक स्टेज में भारतीय जनता पार्टी वही संसद का काम कर रही है और आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। तो खाली एक पार्टी को क्रेडिट देना आपका धर्म है, आप आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि उसकी अच्छाई करें। पर मैं भाजपा का और इस समिति का संरक्षक भी हूँ, और ये छठ पूजा जब शुरू हुई थी ना उसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी भी नहीं, मछली वाले पार्क में हम करते थे और डीडी ने रोका। ये एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जब वहाँ पर किसी ने पेड़ वेड़ काटे तो वहाँ से वो बंद हुआ, डीडी की तरफ से आज भी मना नहीं है। और आपको बता दूँ डीडी ने आज भी परमिशन हमारी छठ पूजा समिति को आम वाले बाग में दे रखी है, रिटर्न परमिशन डीडी ने कोई नहीं रोका। वहाँ भी होता था और पानी पहले भी आता था, सरकार से नहीं आता था प्राइवेट आता था, ऐसा नहीं है, कोई काम कभी रुकते नहीं है। और आपने हमारा सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली सरकार के चुनाव नुमाइंदे हो, आपका धर्म और कर्तव्य बनता है कि आप किसी भी समिति की मदद करें, क्योंकि आप चुनाव में नुमाइंदे हो हमारे विधायक हो, और जब विधायक बन जाता है मुख्यमंत्री बन जाता है तो किसी एक दल का नहीं होता, वो सभी का विधायक होता है। तो मेरा आपसे आशा और उम्मीद भी है, आप हमारे से आपके हमारे संबंध भी हैं, पार्टी वार्टी चलती रहेगी, बीजेपी आम आदमी पार्टी, कब मैं आम आदमी चला जाऊँ आपका बीजेपी में, कोई पता नहीं होता, ठीक है मित्रों, गलत बात तो नहीं है। तो मेरे जो हमारे भाई हैं और मैं इनसे उम्मीद करता हूँ ये स्वभाव के भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा राजनीति से अलग हटके कुछ दिन हमें छोड़ देने चाहिए, करते रहेंगे राजनीति आपस में तो हमें करते रहेंगे, पर कुछ जगह और कुछ दिन हमें छोड़ देने चाहिए धार्मिक स्थलों को छोड़ के, ठीक है नरेंद्र भाई, आपसे मेरी उम्मीद है। देखिए मैं तो वही आप लोगों के सामने बात रख रहा हूँ जो हकीकत में फैक्ट्स है। 1000 घाट, ये भाई साहब भी बता देंगे, कल न्यूज में भी आप देख लेना कि दिल्ली में 1000 घाट जो जिन पे प्रबंध किया गया है, ये घाट भी उसी लिस्ट में से है। मैं सरकारी पेपर भी दे दूंगा, हालांकि मंच पे मैं ये बात नहीं करूंगा क्योंकि सरकार फिर आम आदमी पार्टी की है, केजरीवाल है, और वही यहाँ पे सुविधाएं दे रहे हैं तो उनका नाम तो लेना बनता ही है। बल्कि सरकारी दूसरे घाटों पे मैं गया था तो वहां तो केजरीवाल साहब के बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हैं जहां उन्होंने सुविधाएं दी है, वो अलग बात है कि प्रधान जी ने यहाँ पे इधर उधर कहीं पोस्टर कर दिए वो अलग बात है। लेकिन मैंने एक और बात भी कही है, ये भी आप अभी आप लोगों ने सुना है कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जिसपे सभी पार्टियों को बुलाया जाता है, सभी धर्मों के लोगों को बुलाया जाता है और सबको ये मान सम्मान देते हैं, ये बात भी मैंने इसी समिति के प्रधान के लिए कहा है। और हम लोगों ने सुविधा दी है और ठोक बजा के पूरी दिल्ली में दी है, उसी बात को तो कह रहे हैं जो केजरीवाल साहब ने करके दिखाया है। तो ऐसा मत बुरा मानिए, मैं भी बुरा नहीं मान रहा हूँ, ये हमारी छठ पूजा है, हम सबकी है, हम सब मिलके मनाते हैं। बोलो छठ मैया की, बोलो छठ मैया की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।